चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति और शराबबंदी पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानों का दौर जारी है। वहीं बीजेपी की फायरब्रांड नेता उमा भारती ने कहा है कि जब तक शराबबंदी नहीं होगी तब तक प्रदेश में अपराध खासकर ज्यादती के मामले नहीं रुकेंगे। बीजेपी की फायरब्रांड नेता उमा भारती की शराबबंदी के बयान पर कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने उन्हें नसीहत भी दे डाली है। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि हम शराब पीते नहीं है और किसी में भी हिम्मत नहीं कि कोई हमें जबरदस्ती शराब पिला दे। मंत्री ठाकुर ने कहा कि जिन प्रदेशों में शराबबंदी हुई है वहां के हालात देख ले, वहां और भी अलग अलग तरीके से लोग शराब पी रहे हैं। मंत्री ठाकुर ने भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि जिनका सारी पीढ़ियों ने देश को तोड़ने का काम किया वो काम देश को जोड़ने का काम करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। शराबबंदी करने से जो नियंत्रण होगा होगा, पर हम नियंत्रित जहां जहां शराबबंदी है वहाँ शराब और गलत तरीके से लोग पीते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। हमको जागरण ये चलाना होगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़े बड़े सभी संत महंत समाज सुधारकों को बुलाकर एक बड़ा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में किया। हम समाज में नशा मुक्ति के लिए प्राण प्रण से जुटे हुए हैं कि नशे से व्यक्ति दूर हो। आप और हम नशा करते नहीं तो हमको कोई कराने की ताकत रखता नहीं। व्यक्ति को खुद नशा मुक्त होने का संकल्प लेना पड़ेगा। शराबबंदी स्वयं में हो कि सारी पीढ़ियों ने देश को तोड़ने का काम किया, अब वो क्या भारत जोड़ेंगे ये तो वक्त ही बताएगा।